सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम मिलेंगे एक नए व्यंजन से, व्यंजन छ। छ से छतरी, छ से छड़ी, छ से छत, छ से छलनी। तो बच्चों, आप तैयार हैं एक नई कहानी सुनने के लिए? छबीली के दादाजी सुबह की सैर करने जा रहे थे, तभी छबीली बोली, दादाजी मैं भी आपके साथ चलूंगी। दादाजी बोले, चलो बेटा, लेकिन मैं पहले अपनी छड़ी ले लूं। तभी छबीली बोली, दादाजी लगता है बारिश आने वाली है, क्यों ना हम छतरी भी साथ ले चले। और दोनों सैर पर चले गए। सैर करते करते दादाजी बोले, छबीली बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, छतरी साथ लेकर आई हो। तब छबीली बोली, दादाजी मैम ने बताया था कि बरसात के मौसम में जब भी घर से बाहर निकलो तो छतरी साथ लेकर निकलो, और बरसात में मच्छरों से बचने के लिए हमें ओडोमोस या नीम का तेल लगाना चाहिए, और हो सके तो पूरे बाजू के कपड़े पहनने चाहिए। तो दादाजी बोले, मेरी प्यारी छबीली बिटिया, मैम की बात कितनी ध्यान से सुनती है, तभी तो इतनी समझदारी की बातें करती है। तो बच्चों, देखा आपने, छबीली की तरह आप भी बहुत समझदार हो, और मैम को पता है जब आप भी घर से बाहर निकलोगे तो ऐसा ही करोगे। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बच्चों, ये हमारी हिंदी की वर्कबुक प्रयास, पेज नंबर 39, और ये हमारा कौन सा व्यंजन है? छ। कौन सा व्यंजन है? छ। छ से छतरी, और छ से छलनी। व्यंजन छ लिखने के लिए हम सबसे पहले ट्रेस करेंगे हमारे फर्स्ट स्टेप में हमारा कप। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कप। तो ये हमने पेंसिल रखी हमारी ब्लू लाइन से थोड़ा सा नीचे। ब्लू लाइन में पेंसिल नहीं रखेंगे, ब्लू लाइन के थोड़ा सा हम नीचे पेंसिल रखेंगे और ट्रेस करेंगे हमारा कप। और ये ब्लू लाइन को हमने टच किया, और ये हमारा सेकंड स्टेप है। तो सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे हमारा कप। ये हमने पेंसिल रखी ब्लू लाइन के नीचे और हमने ट्रेस किया हमारा कप। ये हमने ब्लू लाइन को टच किया। अब इसके बाद हमने फिर से हमारा सेकंड कप ट्रेस किया। ये हमने ब्लू लाइन को टच करते हुए टर्न किया ऊपर ब्लू लाइन की ओर, और ये हमने ब्लू लाइन को टच किया। और थर्ड स्टेप में हम एक बार फिर से ट्रेस करेंगे हमारा कप। ये हमने ब्लू लाइन के नीचे पेंसिल रखी और ये हमने बनाया हमारा कप। ये ब्लू लाइन को टच किया बीच की ब्लू लाइन को, और फिर से हमने हमारा सेकंड कप ट्रेस किया ये ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर, और अब ये हमने ब्लू लाइन को टच किया और फिर यहाँ पे बनाया एक छोटा सा सर्कल।
तो हमने क्या किया, सबसे पहले ब्लू लाइन के नीचे पेंसिल रखी और ये हमने ट्रेस किया हमारा कर्व, और फिर हमने फिर से सेकंड कर्व ट्रेस किया ये ब्लू लाइन को टच करते हुए, और ये हमने ब्लू लाइन को टच किया सेकंड ब्लू लाइन को, और फिर इसके बाद हमने बनाया छोटा सा सर्कल। और अब हमारा फोर्थ स्टेप, तो सबसे पहले हम ट्रेस करेंगे हमारा कर्व और ब्लू लाइन के नीचे हमने पेंसिल रखी और हमने ट्रेस किया हमारा कर्व, ये सेकंड ब्लू लाइन को टच किया, और उसके बाद ये हमारा सेकंड कर्व ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ, और ये यहाँ से हमने ट्रेस किया छोटू सा सर्कल। और अब हमने ट्रेस की हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये कौन सी लाइन है हमारी स्टैंडिंग लाइन, और अब हमने ट्रेस की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो अब ये हमारा छ व्यंजन पूरा हुआ। एक बार फिर से हम ट्रेस करेंगे हमारा व्यंजन छ। तो सबसे पहले हमने ब्लू लाइन के नीचे पेंसिल रखी और ट्रेस किया हमारा कर्व, ये सेकंड ब्लू लाइन को टच करेगा, और फिर हमने ट्रेस किया हमारा सेकंड कर्व, ये ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ बीच की ब्लू लाइन में, और अब हमने ट्रेस किया ये छोटू सा सर्कल। इसके बाद हमने यहाँ छोटी सी हमारी स्टैंडिंग लाइन ट्रेस की, और इसके बाद हमने ये ट्रेस की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा कौन सा व्यंजन है, छ, कौन सा व्यंजन है, छ। बच्चों अब आप ड्रॉ करोगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये ब्लू लाइन के नीचे पेंसिल रखनी है और हमें ड्रॉ करना है कर्व, ये हमने ड्रॉ किया कर्व, और अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा सेकंड कर्व, ये हमने ड्रॉ किया हमारा सेकंड कर्व, ये ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ, और ये अब हमने बनाया छोटू सा सर्कल, और अब हमने ड्रॉ की हमारी स्टैंडिंग लाइन। इसके बाद हमने ये बनाई हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा कौन सा व्यंजन है, ये है हमारा छ, कौन सा व्यंजन है, छ। एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे हमारा व्यंजन छ। तो सबसे पहले हम ये ब्लू लाइन के नीचे पेंसिल रखेंगे और ड्रॉ करेंगे हमारा कर्व, और अब हम ड्रॉ करेंगे हमारा सेकंड कर्व, ये ब्लू लाइन को टच करते हुए ऊपर की तरफ, ये हमने बीच की ब्लू लाइन में इसको टच किया, और अब हम बनाएंगे हमारा छोटा सा सर्कल। और अब ये हमने ड्रॉ किया हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये कौन सी लाइन है हमारी स्टैंडिंग लाइन, और अब ये हमने ड्रॉ की हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा व्यंजन छ। एक बार फिर से हम ड्रॉ करेंगे हमारा व्यंजन छ। तो ये हमने ब्लू लाइन के नीचे पेंसिल रखी और हमने ड्रॉ किया हमारा कर्व, और अब ये हमने फिर से ड्रॉ किया हमारा सेकंड कर्व, और ये ब्लू लाइन को टच करते हुए बीच की ब्लू लाइन तक, और अब हमने ड्रॉ किया हमारा छोटा सा सर्कल, और इसके बाद ये हमने ड्रॉ की हमारी
स्टैंडिंग लाइन और अब हमने बनाई इसकी छत हमारी स्लीपिंग लाइन। तो ये हमारा कौन सा व्यंजन है? छ। कौन सा व्यंजन है? छ। बच्चों अब आपको ड्रॉ करना है हमारा व्यंजन छ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।